उसमें काफ़ी चीज़ें ऑब्जर्व भी की हैं, उसमें सिर्फ ये चाहिए, एक स्टोव चाहिए, एक ये कटी हुई बोतल में ये स्टोव लगी हुई है ऐसे, और पानी चाहिए और गिलास चाहिए। तो चलिए इसे करते हैं और तीन कंडीशंस में करके देखेंगे कि क्या क्या हमने ऑब्जर्व किया। तो पहले मैं ये करूँगा कि इसमें भी ये देखिए इस ग्लास में इतना पानी भरा हुआ है, तो मैं जैसे है ना पहले इसके अंदर डाल दूँगा। अब देखिए जो इसका जो स्टोव का नीचा मुँह है वो पूरा अभी पानी में है, और अब मैं इस पानी को उसके स्टोव के वो इस बोतल के अंदर डालूँगा पूरा। और अब ये देखिए कि मतलब जो इस पानी के भरने की स्पीड है वो कितनी है, क्योंकि ये पानी जो स्टोव के थ्रू इस ग्लास में भी पानी जा रहा होगा, तो उसकी पानी गिरने की में ग्लास में पानी की गिरने की स्पीड क्या है ये देखिए। देखिए आप कि मतलब कि किस स्पीड से वो पानी जा रहा है इस कंडीशन में। अभी काफ़ी मतलब कि स्लो स्लो जा रहा है पानी, बहुत स्लो स्लो जा रहा है, पर काफ़ी स्लो स्लो जा रहा है। तो देखिए दूसरा मैं ऑब्जर्वेशन करना जा रहा हूँ, तो उसमें भी कंडीशन सारी सेम है, वही पानी है और स्टोव भी वही है और सब कुछ वैसे ही है। पर मैं इसे अब दूसरी तरीके से करूँगा। तो देखिए पहले मैंने क्या किया था, पहले इसे मैंने स्टोव को पानी के अंदर रखा था, अब मैं पहले इसे ऊपर करूँगा और फिर पानी डालूँगा। तो देखिए अब भी पानी चलना स्टार्ट हुआ, अब मैं इसमें डालूंगा। तो अब इसकी स्पीड देखिए काफी तेज स्पीड है, मतलब इसकी देखिए मतलब। तीसरी चीज क्या होती है कि मतलब जो इसका बोतल के अंदर का जो पानी है और ग्लास के अंदर का जो बढ़ता हुआ पानी है और घटता हुआ पानी है, दोनों एक लेवल पे इक्वल आ जाते हैं। ये देखिए ये काफी देखिए लगभग दोनों ऊपर बोतल का भी और ग्लास के अंदर का भी बढ़ता हुआ पानी और घटता हुआ पानी दोनों इक्वल आ रहे हैं। तो ये एक्सपेरिमेंट था, ये ऑब्जर्वेशन था। तो मैंने मतलब तीन ऑब्जर्वेशंस किए अलग अलग करके, इसी मॉडल से, एक ही मॉडल से तीन ऑब्जर्वेशन किए। तो ऐसा क्या हुआ, जब मैंने इस बोतल के स्टोव जो ये नीचे की स्टोव है इसे पहले पानी के अंदर रखा फिर उसको ऊपर पानी डाला, तो स्लो जा रहा था, तो मतलब कि फिर मैंने इसे बोतल को ऊपर रखा और इसे एयर में रखा और इस स्टोव के मुँह को, फिर मैंने इसमें पानी डाला, जैसे मुझे पानी निकलना स्टार्ट हो गया फिर मैंने इसके पानी में इसके अंदर डाला वो ग्लास के अंदर, तो फिर इसकी स्पीड बढ़ने की स्पीड काफ़ी तेज थी पहले वाले केस से। तो ये मतलब कि क्वेश्चन है कि ऐसा क्यों हुआ, इसके पीछे साइंटिफिक रीज़न क्या है।